टीवी की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रिजवान खान आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। भारत टीवी आ पहुंची है गांव तिगांव में और तिगांव में टिड्डी दल है हजारों की संख्या में यहां से गुजरा। अभी हमारे साथ एक नौजवान है यहीं के, उन्होंने देखो ये पकड़ी है टिड्डी है ये। और साथ ही जो हमारी सरड़ होती है जो यहाँ की, उसको देखिए, दोनों बहुत ही अलग तरीके की हैं और दोनों का रंग रूप कद काठी दोनों ही अलग तरीके की है। ये अभी नहीं उड़ा दीजिएगा, ये हम लोगों ने उस वक्त पकड़ी जब ये यहाँ से उड़ती हुई जा रही थी। यहाँ के कुछ और भी लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। अच्छा इधर आइए, नाम क्या है तुम्हारा? मुस्तफा। कब से यहाँ पे खड़े हो तुम लोग? हम सुबह से खड़े हैं। हाँ जी। अच्छा ये बताइए कि यहाँ से निकली टिड्डी, आपने देखी टिड्डी को? हाँ जी, बहुत ज्यादा निकली। कितना था? हजारों तादाद में था। तो यहाँ से मतलब आप लोगों ने देखा होगा कहाँ गिरी वो? सारी पेड़ों में बैठ गई, जंगल में बैठ गई सारी। अच्छा बैठ गई यहाँ टोटल? हाँ। तो मतलब कि कब से आ रही है टिड्डी? ये अभी एक घंटे पहले आई यहाँ पे। तो एक घंटे पहले आई? हाँ। और एक घंटे से लगातार जा रही है? हाँ जी। हाँ जी। तो मतलब खेतों में बैठी हुई? पेड़ों में बैठी, सारे खेतों में बैठ रही है। ये यहाँ से ऊपर से भी गुजर रही है। आइए कुछ बुजुर्ग लोग उनसे बात करते हैं। चाचा टिड्डी पकड़ी अभी आपने? हाँ जी पकड़ी। हाँ, कहाँ से उड़ गई? ये तो इधर से आई है, परली तरफ से। अच्छा उधर की साइड से उड़कर आई? हाँ जी। आप लोग कब से देख रहे हैं यहाँ पे जो टिड्डी को दल आ रहा है? ये नहीं तो ये कहा था आधा घंटा होगा जी यहाँ से। आधे घंटे से खत्म जी? करोड़ों की कहा, लाखों की तादाद में बहुत ज्यादा। अच्छा लाखों की तादाद इधर कही है जी। हाँ। अच्छा ये बताइए कि ये जो टिड्डी है यहाँ पे आई, इनका रंग रूप आप लोगों ने देखा? अभी तो आप मार रहे थे, पकड़ रहे थे यहाँ पे? अब पकड़ के तो देखा जी, तो ऐसा है जैसे मरुस्थल का सब मरुस्थल। हाँ जी। तो इनका मतलब रंग रूप अलग है? हाँ जी। हाँ जी। हमारे यहाँ जो सरोड है हाँ, वो ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, ये तो अलग ही है। जी जी। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कहाँ बैठ रही है वो? खेतों में बैठ रही है? खेतों में तो बैठ रही है, देखा ना आप? देखो ये सारा खेतों में बैठ रहे हैं जी। जो फसल है उनमें ये सारी की सारी टिड्डिया भी। देखिए ये आप देखिए तस्वीरों में, कहूंगा कैमरामैन से कि देखिए सारे बच्चे इन टिड्डियों को पकड़ कि फसल खराब हो सकती है, फसलों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों के पास में फसलों के अलावा कोई चारा नहीं है कि वो अपनी आजीविका चला लें। अगर इसी तरीके से टिड्डियों का प्रकोप बढ़ता रहा और टिड्डियों के द्वारा फसलें बर्बाद होती रही तो फिर किसानों का जीना दुश्वार हो जाएगा, क्योंकि उनकी ये पूंजीपति है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। अगर ये बर्बाद होती है तो इसको लेकर के सरकार को कड़े से कड़े यहाँ पे कदम उठाने चाहिए, जिससे जो किसान हैं उनकी इन फसलों की बर्बादी से उन्हें रोका जा सके। खैर आज के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ।